everyone. Welcome back to the lecture of statistics. I am present statistics ko padhenge. So today we will discuss statistics. Aur last lecture mein humne discuss kiya tha measures of सेंट्रल टेंडेंसी. क्या डिस्कस किया था? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, इसका यूज क्या है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस एंड इंप्लीकेशंस ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड व्हाट आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स कैलकुलेशन. कि इसको कैलकुलेट करने के पीछे हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने तीन टेक्निक डिस्कस की थी. एक मीन, जिसको एवरेज भी कहते हैं, ठीक. सेकंड मीडियन एंड थर्ड मोड. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जेड. तो मीन, मीडियन और मोड, ये तीन जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की टेक्निक्स हैं. अब इन तीनों में भी हम मीन डिस्कस कर रहे थे कि मीन क्या होता है, उसको क्यों कैलकुलेट करते हैं और कौन कौन सी सीरीज में मीन गिवन हो सकता है. यानी कि हमने इंडिविजुअल सीरीज को डिस्कस किया, हमने डिस्क्रीट सीरीज को डिस्कस किया, उसके बाद हमने कंटिन्यूअस सीरीज को डिस्कस किया कि तीन सीरीज हो सकती है, इंडिविजुअल सीरीज हो सकती है, डिस्क्रीट सीरीज हो सकती है, कंटिन्यूअस सीरीज हो सकती है. तो हमने मीन को जो है तीन सीरीज में डिस्कस किया था कि एक इंडिविजुअल सीरीज हो सकती है, डिस्क्रीट सीरीज हो सकती है और कंटिन्यूअस सीरीज हो सकती है. इंडिविजुअल सीरीज में हम मीन को डिस्कस कर चुके थे, हमने डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों ही मेथड से उसको डिस्कस कर दिया था. अब आगे हम भाई बढ़ेंगे और सेकंड लेंगे मीन इन डिस्क्रीट सीरीज. अब हम पढ़ेंगे मीन इन डिस्क्रीट सीरीज. तो डिस्क्रीट सीरीज में मीन के का फॉर्मूला क्या होगा, ये है वही डायरेक्ट मेथड इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका मीन इक्वल टू यानी एक्स वाई इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन और दूसरा होगा शॉर्टकट मेथड में इसका फॉर्मूला होगा मीन यानी एक्स वाई इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ बी एक्स अपॉन एन, ठीक. वेयर एक्स बार स्टैंड्स फॉर मीन और अरिथमेटिक मीन कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक. एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन वैल्यूज, जो भी वैल्यू दी होगी उसकी फ्रीक्वेंसी यानी मैग्नीट्यूड, एक्स मेन वैल्यू ऑफ द सीरीज, उस सीरीज की वैल्यू जो दी हुई है किस टर्म में दी हुई है, हाइट के टर्म में दी है, मास के टर्म में दी है, प्रोडक्शन के टर्म में दी है या किसी और चीज के टर्म में दी है, वो एंड टोटल ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसीज, जो फ्रीक्वेंसीज दी हुई है उनका सम टोटल उसको बोलते हैं एन, ठीक है. ए क्या है, ए स्टैंड्स फॉर एज्यूम्ड मीन, ये मीन नहीं है, हम इसको सिर्फ एज्यूम कर लेते हैं, ठीक. उसके बाद डी एक्स क्या है, डेविएशन फ्रॉम
the वैल्यू एक्स, और एन वही है टोटल ऑफ गिवन फ्रिक्वेंसी। तो दो मेथड हो गए डिस्क्रीट सीरीज में, एक डायरेक्ट मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला लगेगा ये, और शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला लगेगा ये। डायरेक्ट मेथड में मीन एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन, और शॉर्टकट मेथड में मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ बी एक्स अपॉन एन। दोनों के आंसर किसी भी एक प्रॉब्लम को अगर दोनों ही मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो आंसर मस्ट बी सेम, ओनली देन योर एप्लीकेशन इज करेक्ट। उसी केस में आपका एप्लीकेशन करेक्ट है कि आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो ठीक हैं, एग्जैक्ट हैं, एक्यूरेट हैं। अब हम एक सम सॉल्व करेंगे दोनों मेथड से, डिस्क्रीट सीरीज का एक सम हम सॉल्व करेंगे दोनों मेथड से, डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व करेंगे और शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व करेंगे। अब इसको मैं साफ कर दूंगा, एक सम लेते हैं, एक सम है कि कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इलस्ट्रेशन है, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन from the following data। ये data दिया हुआ है, उसका arithmetic mean आप calculate कर लें। क्या data दिया हुआ है? Size और frequencies। किसी चीज का size दिया हुआ है और उसकी करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है। साइज दिया हुआ है 4 से लेकर 8 तक, 4, 5, 6, 7 and 8। उसकी करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है 5, 8, 10, 10 and 7। अब बुक को रख देते हैं, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू अब क्या है, ये तो साइज है, इसको ये हो गया ठीक, ये फ्रीक्वेंसी है तो इसको हम लिखेंगे एफ। अब साइज कितने दिए हुए हैं, 1, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक, यानी 4 साइज के कितने लोग हैं, 5 साइज को कितने लोग यूज कर रहे हैं, 8, 6 साइज को कितने यूज कर रहे हैं, 10, 7 को भी 10 और 8 को 7। यानी जो वैल्यू दी हुई है, जो ऑब्जर्वेशन है, उसका करेस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, उसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है। एक साइज 4 है और उस साइज 4 साइज को यूज करने वाले कितने लोग हैं, 5। उसका रिपीटेशन कितने बार हो रहा है, 5 टाइम्स। ऐसे 5, 6, 7 और 8 सभी का दिया हुआ है, 8, 10, 10, 7। तो इस सीरीज को हम कहेंगे कि इट इज अ डिस्क्रीट सीरीज, दिस इज अ डिस्क्रीट सीरीज। अब इसको हम दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, इसे हम डायरेक्ट मेथड से भी सॉल्व करेंगे और इसे हम शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व करेंगे। हमें देखना यह है कि अब 5 साइज दिए हुए हैं, 8, 7, 6, 5, 4 या 4, 5, 6, हमें इनका एवरेज साइज निकालना है कि एवरेज साइज क्या है जो सबसे ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। सो व्हाट इज द एवरेज साइज ऑन द बेसिस ऑफ दिस गिवन इंफॉर्मेशन। अब हम इसे करेंगे, अब इसे हम साफ कर देते हैं ठीक है। तो अब इसको लिखें, अब सबसे पहले इसे करते हैं हम डायरेक्ट मेथड से, लिख देते हैं सॉल्यूशन डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले लिख लीजिए साइज और इधर लिख दीजिए फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इस तरीके से फॉर्मेट बनेगा, साइज एंड फ्रीक्वेंसी। साइज लिख दीजिए क्या था, साइज 4, 5, 6, 7 and 8। फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी थी, 5, 8, 10,
10 and 7. ठीक, तो ये तो हो गई वैल्यू है x और ये फ्रीक्वेंसी है f. अब डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, मीन x बार इक्वल टू समेशन f x अपॉन n. n क्या बताया था, n होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल, इसका अगर आप टोटल कर दो तो आपको n मिल जाएगा. तो 5 और 8 13, 13 और 10 23, 23 और 10 33 और 7 40. ये तो हो गया 40. समेशन fx क्या है, यानी फ्रीक्वेंसी और वैल्यू का मल्टीप्लाइकेशन का टोटल. तो नेक्स्ट स्टेप में आप f इंटू x कर लीजिए. ठीक, यानी ये इंटू ये फ्रीक्वेंसी इंटू वैल्यू साइज f इंटू x. तो 5 फोर जा 20, 8 फाइव जा 40, 10 सिक्स जा 60, 10 सेवन जा 70 एंड 7 एट जा 56. इनका अगर आप टोटल कर दोगे तो आपको समेशन एफ एक्स मिल जाएगा. इसका टोटल कर दीजिए 6, 2, 4, 6 और 6, 12 और 7, 19, 19 और 5, 24, 246 आ गया इसका टोटल. अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो तो मीन इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन, इट इंप्लाइज 246 अपॉन 40. तो ये आपका आंसर आएगा 6.15. दिस इज द एवरेज साइज, दिस इज द एवरेज साइज, क्या 6.15. ये आपका एवरेज साइज आया 6.15 डायरेक्ट मेथड से. ये है डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, मीन एक्स वाई इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन. एफ एक्स का मतलब है फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स. तो हमने फ्रीक्वेंसी और इसका मल्टीप्लाइकेशन कर दिया 20, 40, 60, 70, 56. समेशन एफ एक्स क्या है, इनके मल्टीप्लाइकेशन का टोटल. हमने इसका टोटल कर दिया तो कितना आया 246. एन क्या है, फ्रीक्वेंसी का टोटल. तो हमने फ्रीक्वेंसी का टोटल किया तो कितना आया 40. अब हमने इसी फॉर्म में कुछ नहीं किया, हमने बस इन्हीं वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर दिया, यानी एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन, मीन्स 246 अपॉन 40 इक्वल टू 6.15. तो एवरेज साइज हो गया हमारा 6.15. जो साइज दिए हुए हैं 4, 5, 6, 7, 8, इनका एवरेज साइज आ गया 6.15. क्लियर. अब इसी प्रॉब्लम, इसी सम को हम सॉल्व करेंगे अब शॉर्टकट में करते हैं. अब ऊपर लिखिया शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड में मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन, ये बताया था. तो अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ फिर से, और फिर से कर देते हैं. अब इसे लिख दीजिए फिर से, क्या क्या दिया है, साइज एंड फ्रीक्वेंसी. मैंने एफ लिख दिया है, साइज एंड फ्रीक्वेंसी. साइज दिया है 4, 5, 6, 7 and 8. फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5, 8, 10, 10 and 7. ठीक, अब हमें इस फॉर्मूले से इसको करना है. तो हमें क्या क्या पता है, n हमें मालूम है, इसका टोटल कितना आ रहा है 40. f हमें पता ही है, फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है वो f है फ्रीक्वेंसी. हमें क्या नहीं मालूम है, a नहीं मालूम है और dx नहीं मालूम है. हमें कैलकुलेट क्या करना है, ए और डी एक्स, ये जो है दोनों ही चीज़ें
हमें मिसिंग है। दीज टू थिंग्स आर या टू आइटम्स आर मिसिंग। अब देखिए कैसे करना है। तो मैंने assumed mean में क्या बताया था कि assumed mean is not an actual mean. Assumed mean is not an actual mean. We consider the central value as a mean. हम central value को, series की central value को हम mean assume कर लेते हैं, so it becomes an assumed mean in order to calculate the actual mean. यानी actual mean को calculate करने के लिए, बात समझिएगा, actual mean को calculate करने के लिए हम series की central value को mean assume कर लेते हैं। तो इस series की central value क्या है? 4, 5, 7, 8 4, 5, 6, 7, 8 तो 6 is the central value. 6 is the central value. तो 6 को हमने mean assume कर लिया. Being a central value, we assume 6 as an assumed mean. ठीक? तो dx के अब जब a पता चल गया assumed mean, तो dx हमें पता चल जाएगा. Next step है हमारा dx. और dx क्या बताया था मैंने? dx होता है x minus a. x क्या है? ये 4, 5, 6, 7, 8 assumed mean क्या है? 6. तो x minus a, 4 minus 6 5 minus 6 6 minus 6 7 minus 6 8 minus 6. तो 4 minus 6 कितना आ गया? -2. 5 माइनस 6 क्या आ गया? -1. 6 माइनस 6 कितना हो गया? 0. 7 माइनस 6 कितना आ गया? +1. 8 माइनस 6 कितना आ गया? +2. ठीक, dx पता चल गया। पूछ क्या रहा है? fdx, समेशन fdx, यानी फ्रीक्वेंसी और dx का मल्टीप्लाइकेशन। फ्रीक्वेंसी और dx का, फ्रीक्वेंसी और साइज का नहीं, डायरेक्ट मेथड में फ्रीक्वेंसी और एक्स का मल्टीप्लिकेशन करते थे, लेकिन शॉर्टकट मेथड में हम फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन ऑफ एक्स। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इनटू डीएक्स डेविएशन ऑफ एक्स, तो कर लिया। तो यहां पर लिख दो एफ इनटू डीएक्स, एफ इनटू डीएक्स, तो ये कितना आ जाएगा? -10 -8 0 +10 and +14. अब इसका टोटल समेशन एफ डी एक्स, ये हो गया समेशन एफ डी एक्स, समेशन एफ डी एक्स, इसका टोटल क्या हो जाएगा? समेशन एफ डी एक्स, यहाँ पे आप इसका टोटल कर लो, माइनस क्या होगा? 18, माइनस का टोटल करें तो 18 आ रहा है, ये तो 0 ही है, और प्लस का टोटल आ रहा है 24, तो एफ डी एक्स कितना बचा? 6 बचा, प्लस का 6 बचा कि नहीं? अब कुछ है ही नहीं, अब तो सब पता चल गया आपको, n 40 हो गया, a 6 हो गया, समेशन f dx 6 हो गया। अब इसमें बस निकाल लीजिए, mean x y equal to a plus समेशन f dx upon n, a की जगह हम क्या रख सकते हैं? 6, a क्या माना हमने? 6, a की जगह हमने रख दिया 6, plus समेशन f dx की जगह क्या रख सकते हैं? 6, यहाँ पे हमने 6 कर दिया। n की जगह क्या रखेंगे? 40। अब इसको 6 को अगर आप 40 से जो है मल्टीपल डिवाइड करोगे, इसको एक जीरो बढ़ा लो, तो ये 0.15 ही आएगा। आप कैलकुलेटर में करके देखना कितना ही आएगा। तो फिर से हमारा कितना हो गया? 6 + 0.15 = 6.15। तो इस केस में भी जो एवरेज साइज है 6.15 ही आएगा, 6.15 ही आएगा। कब? अगर हम जो है इसको शॉर्टकट मेथड से करेंगे तो भी इसका आंसर सेम ही आएगा। तो हमने डिस्क्रीट सीरीज को डायरेक्ट और शॉर्टकट दोनों ही मेथड से उसका न्यूमेरिकल करके भी सॉल्व कर लिया। अब हमने दो सीरीज डिस्कस कर दी, ए इन
इंडिविजुअल सीरीज, उसके दोनों मेथड डायरेक्ट और शॉर्टकट। दूसरा हमने डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज के भी दोनों मेथड डायरेक्ट और शॉर्टकट। अब तीसरी सीरीज कौन सी बची? तीसरी सीरीज बची है कंटिन्यूअस सीरीज, इसको साफ कर देता हूं। अब हम थर्ड सीरीज को डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट सीरीज दैट इज कंटिन्यूअस सीरीज। कौन सी सीरीज? कंटिन्यूअस सीरीज। तो कंटिन्यूअस सीरीज का क्या है? देखिए, मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज मैंने क्या बताया था? कंटिन्यूअस सीरीज होती है कि जब आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होगी, एक रेंज गिवन होती है। क्या गिवन होती है? रेंज। हम एक रेंज बना देते हैं, जैसे रेंज को क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। जैसे हमने कहा कि 0 से 10 एक रेंज है, 10 से लेकर 20 दूसरी रेंज है, 20 से लेकर 30 एक दूसरी एक तीसरी रेंज है, 30 से लेकर 40 एक और रेंज है, और 40 से लेकर 50 एक और रेंज है। इसी तरीके से रेंज है। इनकी फ्रिक्वेंसी मालूम दी हुई है 4, 6, 8, 9, 5। अब मैं कहूँ कि 0 से लेकर 10 के बीच में कितने लोग हैं, तो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? आप कहोगे 4। फिर मैं पूछूंगा 10 से लेकर 20 के रेंज में कितने लोग हैं? 6। 20 से लेकर 30 की रेंज में कितने हैं? 8। 30 से लेकर 40 की रेंज में 9। एंड 40 से लेकर 50 की रेंज में 5। तो रेंज के बेसिस पर अगर हम रेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आपको पता है कि 0 से 10 के बीच में कितने लोग हैं? 4। लेकिन 0 से 10 के बीच में तो 0 भी आता है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी आता है। अब मैं पूछूं 8, 0 से 10 की रेंज में अगर हम कहें कि 8 अगर हम इसको मान लीजिए हम वेजेस मान लें, मजदूरी मान लें, तो कहीं 8 रुपये कितने लोगों को मिल रहे हैं? तो नहीं पता। हमें रेंज पता है कि 0 से लेकर 10 रुपये तक जो है कितने लोगों को मिल रहे हैं। 0 से लेकर 10 रुपये कितने लोगों को मिल रहे हैं? आपने कहा 4। लेकिन हमें अगर इसमें अगर हम देखें इंडिविजुअल वैल्यू, तो वो हमें पता नहीं होती है। जब भी डेटा रेंज में अरेंज होता है, एक रेंज या एक इंटरवल में अरेंज होता है, तो उसको बोलते हैं हम कंटिन्यूअस सीरीज। व्हेन द डेटा और इंफॉर्मेशन इज अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर रेंज और इन अ पर्टिकुलर इंटरवल, दैट इज कॉल्ड द कंटिन्यूअस सीरीज। वो कंटिन्यूअस सीरीज हो जाती है। और कंटिन्यूअस सीरीज में अरेंज करने का और एक रीजन होता है। कारण क्या होता है? हर चीज़ का लॉजिक होता है। ऐसे नहीं होता है कोई भी चीज़ के बिना लॉजिक के लिए हुई। किसी भी चीज़ को रेंज में कन्वर्ट करने का एक लॉजिक होता है। जब डेटा बहुत ज़्यादा डेटा होता है, देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ डेटा, बहुत ज़्यादा डेटा गिवन होता है, 1000 लोगों का डेटा गिवन है, 10000 लोगों का डेटा गिवन है, तो हम इनको हम इंडिविजुअल नहीं लिख सकते हैं। तो हम एक रेंज बना देते हैं कि इतने से इतने की एक रेंज है, फिर उससे फिर इतने से इतने की एक रेंज है, और उसके बाद इतने से इतने की एक रेंज है। इतने रेंज में इतने लोग आ रहे हैं, इस रेंज में इतने लोग आ रहे हैं। तो क्या होता है कि डेटा को हम कंप्रेस कर देते हैं। इन ऑर्डर टू कंप्रेस द डेटा, वी अरेंज द डेटा इन द कंटिन्यूअस इन अ रेंज सिस्टम और इन अ इंटरवल सीरीज। ठीक है, तो हम कंटिन्यूअस रेंज में हम क्यों कन्वर्ट करते हैं? क्योंकि जब डेटा लार्ज नंबर पर डेटा गिवन होता है, एक लार्ज स्केल पर डेटा गिवन होता है, तो उस लार्ज स्केल के पर गिवन डेटा को हम कंप्रेस करके उसको जो है स्मॉल स्केल पर, या आप कह सकते हैं कन्वीनियंट फॉर्म में, हम उसे कन्वर्ट कर लेते हैं, सो एज टू सिंप्लीफाई टू एनालाइज द डेटा। डेटा को एनालाइज करने के लिए, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको इन ऑर्डर टू मेक देम कन्वीनियंट, उनको कन्वीनियंट बनाने के लिए हम उसको एक रेंज में एक इंटरवल में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज द बेसिक एंड बेसिक पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा इनटू रेंज और एन इंटरवल, राइट। अब इसके भी दो मेथड हैं, कंटिन्यूअस सीरीज के भी डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड
इसके भी दो मेथड है, पहला ए डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में तो वही फॉर्मूला लगेगा जो डिस्क्रीट सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज के डायरेक्ट मेथड में लगाया था, क्या मीन यानी एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन एन। ठीक, दूसरा है शॉर्टकट मेथड, सेकंड इज शॉर्टकट मेथड। शॉर्ट, अब इसके शॉर्टकट मेथड भी दो है, एक फर्स्ट लिख लो देयर इज टू शॉर्टकट मेथड, इसके दो शॉर्टकट मेथड है, फर्स्ट सिंपल शॉर्टकट मेथड, पहला है सिंपल शॉर्टकट मेथड, सिंपल शॉर्टकट मेथड, इसका फॉर्मूला तो वही रहेगा जो हम उसमें पढ़ के आए हैं डिस्क्रीट सीरीज में, क्या a प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। और दूसरा है, इसका दूसरा है स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन शॉर्टकट मेथड, इसका फॉर्मूला थोड़ा चेंज है, मीन एक्स वाई इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश डैश का एफ डी डैश अपॉन एन इंटू आई, क्या फॉर्मूला हो जाता है, फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो गया, क्या हो गया ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन इंटू आई। आई के बहुत सारी चीजें तो आपको मालूम है, आई क्या है, यहां पर आई है इंटरवल या गैप बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ सीरीज। आई क्या है, इंटरवल, इंटरवल और गैप बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ सीरीज। मान लो सीरीज इस तरीके से दी हुई है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो ये होगी लोअर लिमिट और ये हो गई अपर लिमिट। अब यहाँ पर दूसरी सीरीज में ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, नेक्स्ट सीरीज में ये लोअर लिमिट ये अपर लिमिट, इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 0 से 10 के बीच का 10, 20 से 10 से 20 के बीच का डिफरेंस 10, 20 से 30 के बीच का डिफरेंस 10, तो इस केस में आई क्या हो जाएगा ये। अब इनके न्यूमेरिकल जो है हम कल डिस्कस करेंगे, हम इनको न्यूमेरिकल जो है कल सॉल्व करेंगे, आज के लिए आपके इस लेक्चर में इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यूस सीरीज के न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक मीडियम पर चलेंगे। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।